ऑस्ट्रिया, सेक्सोनी और डेनमार्क में आत्महत्या की दर अधिक है। कैथोलिक चर्च की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट चर्च कम दृढ़ता के साथ संगठित है, फलस्वरूप अपने मतावलंबियां अधिक आत्महत्या करते हैं। दूसरा है ज्ञान और शिक्षा तथा आत्महत्या। दुर्खिम का मत है कि एक शिक्षितों की तुलना में शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान और शिक्षा सामान्य विश्वासों को कमजोर कर देता है। मोरसोली ने बताया कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए लोगों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक होती है। इस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग भी आत्महत्या अधिक करते हैं। इसी प्रकार से उच्च व्यवसाय में लगे लोग नौकरी करने वालों की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा का प्रतिशत अधिक होता है। तीसरी बात है परिवार और अहमवादी आत्महत्या। दुर्खिम मानते हैं कि धर्म की तरह परिवार भी संगठित या असंगठित होने पर आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है। संगठित परिवार आत्महत्या को रोकता है, वह जीवन बीमा है, जबकि गठित विघटित परिवार अहमवादी आत्महत्या का प्रेरक होता है। इस आधार पर दुर्खिम ने कुछ तथ्य एकत्रित किए, जिसमें बताया कि विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। विधुर या विधवा विवाहितों की तुलना में अधिक एवं अविवाहितों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। विवाहितों में भी बिना बच्चे वालों की तुलना से अधिक आत्महत्या करते हैं। संतान युक्त विधुर संतानहीन विवाहित पतियों की तुलना में कम आत्महत्या करते हैं। संतानों की उपस्थिति प्राय विवाह के बुरे प्रभावों को कम या समाप्त कर देती है। इसके बाद आती बात राजनीतिक संगठन की। दुर्खिम बताते हैं कि आत्महत्या का संबंध राजनीतिक दृढ़ता से भी जुड़ा हुआ है। जब किसी देश की राजनीतिक सुदृढ़ता में दरार आने लगती है, सुदृढ़ता ढीली होने लगती है, तब आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। जब राजनीतिक समाज उद्विकास और निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, तो उनमें आत्महत्या की मात्रा नगण्य होती है। इतिहास इस बात का गवाह है। समाज की उद्विकास काल में बहुत कम आत्महत्याएं होती हैं और विकास के साथ साथ आत्महत्या की दर धीरे धीरे बढ़ रही। दूसरी बात आती है, दूसरा प्रकार आता है परार्थवादी या अल्ट्रास्टिक आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है। जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता है, व्यक्ति की हर क्रिया का निर्देश समाज हो, व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार का महत्व दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को जोखिम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य दूरी समाप्त हो जाती है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहता। अन्य शब्दों में समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान करने की भावना से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लेता है। परार्थवादी आत्महत्या के अनेक उदाहरण बताए, जैसे डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमान समझते हैं, इसलिए विजीगोथा की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति स्पेन और हरोली में है भी है पाई जाती है। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधि स्थस्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं। सती प्रथा, जौहर आदि इसी प्रकार की आत्महत्याएं हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदेह और आत्मनाश की स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना या गंगा के पानी में कूद जाना, जापान में हाराकारी प्रथा आदि परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सैनिकों में आत्महत्या की हम स्थितियां देखते हैं, वे भी इसी प्रकार की आत्महत्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। दुखिम ने परार्थवादी
आत्महत्या को समझाते हुए लिखा कि परार्थवाद के कारण की जाने वाली आत्महत्याओं को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, किंतु चूंकि इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझकर की जाती है, अतः इस शब्दावली यानी कि परार्थवादी आत्महत्या के द्वारा इस बात को प्रकट होना चाहिए, अतः हम इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या के साथ कर्तव्य का तत्व जोड़कर इस प्रकार की आत्महत्या को समाज की शक्ति और सामूहिक चेतना के महत्व को प्रकट किया। दुर्खिम ने तीन प्रकार की परार्थवादी आत्महत्याएं बताई, पहला कर्तव्य प्रधान परार्थवादी, दूसरा वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा उग्र परार्थवादी आत्महत्या। अब बात करते हैं अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या में अंतर। दुर्खिम ने अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या में निरंतर निम्नलिखित अंतर बताया। नंबर एक, अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करता, वरन समाज से अलगाव व्यक्ति को इतना निराश और उदासीन बना देता है कि उसके सामने मरने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य करती है, आत्महत्या उसके लिए कर्तव्य हो जाता है। दूसरा, अहमवादी आत्महत्या का मूल कारण अतिशय विषयकता है, जबकि परार्थवादी का अत्यंत न्यून व्यक्तिकता। नंबर तीन, अहमवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि समाज व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि वह सामाजिक जीवन से पलायन कर जाए, उसकी चिंता ना करे और अपने स्वेच्छा का पालन करे। जबकि परार्थवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि इसमें समाज व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो जाता है, उसका व्यक्तित्व को निगल जाता है और अपने शिकंजे में कस लेता है। नंबर चार, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता है कि उसे अपने स्वयं के अलावा संसार में और कोई सत्य दिखाई नहीं देता, जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, समाज ही सत्य या सच दिखाई देता है। नंबर पाँच, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति की व्याकुलता में असाध्य मानसिक बोझ व उत्साहहीनता होती है, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है। जबकि परार्थवाद में आशा की किरण निहित होती है, वर्तमान जीवन से परे अनंत सौंदर्य से पूर्ण एक नई दुनिया में विश्वास होता है, इस जीवन की लीला को समाप्त कर सत्यम शिवम सुंदरम की परिधि में प्रवेश की लालसा होती है। और लास्ट है, अहमवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक क्षीणता और नैतिक अभाव से है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक चेतना की शक्ति, सामाजिक भागीदारी, अवैयक्तिक त्याग और समर्पण की भावना में होता है। अब बात आती है तीसरे प्रकार की, यानी कि आदर्शहीन आत्महत्या या एनोमिक सोसाइटी। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय होती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय अथवा पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या हो जाती है। संक्षेप में, आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता, उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्या को बढ़ावा मिलता है। एनोमिक सोसाइटी को समझाने के लिए दुर्खिम बताते हैं, जब सामाजिक नियमों का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है, लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं तथा समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, आर्थिक तथा अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शीतलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। समाज की इसी अवस्था को दुर्खिम ने आदर्शहीनता या एनोमिक कहा।
इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं होते और वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। आदर्शहीनता की अवस्था में व्यक्ति विचलित व्यवहार की ओर अधिक मात्रा में प्रवृत्त होता है। आत्महत्या इसी व्यवहार का एक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आत्महत्याएं होती हैं उनमें दुर्खिम आदर्शहीन आत्महत्या कहता है। इनका संबंध आर्थिक संकट और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा गया है। आर्थिक संकट और आत्महत्या। आर्थिक संकटों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। दुर्खिम ने तथ्यों की आधार पर यह प्रमाणित किया कि आर्थिक संकट निर्धनता दोनों ही स्थितियों में बढ़ती है। निर्धनता और व्यापारिक हानि एवं दिवालियापन होने की स्थिति में आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, किंतु केवल आर्थिक कठिनाई ही आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करती। यदि ऐसा होता तो समृद्धि के समय भी अधिक आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। दुर्खिम ने फ्रांस और प्रशिया का उदाहरण देते हुए बताया कि वह राजनीति एवं आर्थिक प्रगति के समय आत्महत्या की दर बढ़ गई। वैवाहिक जीवन और आदर्श हीन आत्महत्या। दुर्खिम कहते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में आदर्शहीन अवस्था दिखाई नहीं देती, वरन वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देती है। वैद्य संकटपूर्ण दशा है। पति और पत्नी की मृत्यु के कारण परिवार में आदर्शहीनता पैदा हो जाती है। विधवा या विदुर नई परिस्थितियों के अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। इस यही बात पृथक्करण परित्यागा विवाह विच्छेद की स्थिति में लागू होती है। इसका कारण यह नहीं कि वैद्य परित्यागा विवाह विच्छेद आत्महत्या के कारण है। वास्तव में असंतुलित पारिवारिक जीवन ही इसका कारण है। अब बात करते हैं इसकी सामाजिक आत्महत्या की सामाजिक प्रवृत्ति की, सोशल नेचर ऑफ सोसाइटी। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में अंतिम खंड में आत्महत्या की व्याख्या एक सामाजिक घटना के रूप में की। उनके अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। यह सामाजिक परिस्थितियों की देन है जिसकी दर का निर्धारण सामाजिक कारकों के द्वारा होता है, ना कि भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक या जैविकीय कारणों से। अतः इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या की जानी चाहिए। समाज की नैतिक संरचना आत्महत्या की दर निर्धारित करती है। सामूहिक दबाव में व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। वे इस संदर्भ में टार्ट के अनुकरण के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं। वे आत्महत्या की प्रेरक शक्ति सामूहिक चेतना को मानते हैं जो व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। दुर्खिम आत्महत्या को एक अनैतिक कार्य मानते हैं क्योंकि लगभग सभी समाजों में इसे पाप या अपराध मानकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कानून, धर्म और नैतिकता के विरुद्ध है। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक वैदिकीय घटना माना। आत्महत्या सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक होते हुए भी निरपेक्ष रूप से सामान्य तथ्य नहीं कही जा सकते। दुर्खिम ने आंकड़े प्रस्तुत कर बताए कि सभ्यता के विकास के साथ साथ आत्महत्या की दर में भी वृद्धि हुई है। आधुनिक उद्योग, कला, विज्ञान का विकास अपने साथ कुछ वैद्यकीय परिस्थितियों को लाया। अतः आत्महत्या उन परिस्थितियों का परिणाम है जो सभ्यता के कदम के साथ आगे बढ़ती है। इस प्रकार से आज बात करते हैं, खत्म करते हैं दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत को।